रैंगल 2.0 एक नाम नहीं, एक रहस्य है, जिस रहस्य का एक छोटा सा कण हमें आज पता चला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रहस्यमय कमरे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अंग्रेजों के ज़माने की तोपें हैं और यहाँ पे आज़ादी से पूर्व चलने वाला हेलीकॉप्टर मिलता है देखने को, उसके आपके चित्र मिलते हैं और यहाँ पे नीचे आपको एक छोटा सा कंप्यूटर मिलता है और वायरलेस फ़ोन मिलता है और तोपें मिलती हैं। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए और इस रहस्य में चीज़ों का क्या इस्तेमाल आप कर सकते हो वो देखने के लिए। हेलो गाइस, यू वाचिंग इशू गेमर। तो आज किस वीडियो हम जाने वाले हैं एक रहस्यमय कमरे में, जिस रहस्य से हम पर्दा उठाने वाले हैं, क्या उस रहस्य में देखने को मिलता है आपको, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं पहले निकला था रैंगल 2.0 की कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स डालने के लिए, न्यू ग्लिच ढूंढने के लिए। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे आया, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, तो यहाँ पे मुझे दो फ्रेंड मिल गए। तो मैंने इनमें से एक को नॉक कर दिया अपनी गाड़ी से, ये गाड़ी मेरी है, तो इस गाड़ी से मैंने इन्हें नॉक कर दिया। इनमें से एक को नॉक कर दिया, मेरा मन नहीं किया उसे किल करने का, तो यहाँ पे मैं इमोट करने लग पड़ा। मेरा इमोट देख के उसके टीममेट ने उसे आवाज़ लगाई, यानी कि ये हमें मारेगा नहीं, यहाँ पे आ जाओ। तो उसका टीममेट यहाँ पे आ गया, उसके बाद उसने मुझे क्या कहा आप खुद सुन सकते हो। उसके बाद गाइस मुझे भी अपना माइक ऑल पिक करना पड़ा और इनसे बात करनी पड़ी। तब मैंने इन्हें बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढने आया हूँ रैंगल 2.0 की। तब इन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे एक ऐसे सीक्रेट रूम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। तो मैं भी इनके साथ जाने को तैयार हो गया। बट गाइस, यहाँ पे वो रूम जो था जो उनके बाहर था, तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको वहाँ तक छोड़ देंगे, उसके बाद वहाँ चले जाना और वीडियो बना लेना। तो भाई कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो इन लोगों ने मुझे वहां तक छोड़ दिया, जो कि भाई बहुत लंबी वीडियो है, वो मैं स्किप कर देता हूं अभी। तो गाइस, जब हम बात करते हैं इस सीक्रेट रूम की और यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिलता है, इनका क्या इस्तेमाल है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वेपन की। यहाँ पे आप ये मशीन गन देख सकते हो, ये आपको पेलोड 2.0 में देखने को मिलेगी, जो कि यूएस होगी, डासिया होगी, जो भी गाड़ी रहती है फोर व्हीलर उस पर लगी होगी। और एक और देख सकते हो मशीन गन और यहाँ पे वायरलेस फोन। वायरलेस फोन का तो अभी गाइस कोई यूज नहीं है, मे भी हो सकता है जब पेलोड 2.0 आएगा ग्लोबल वर्जन में तब इसका कोई यूज आ जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक कार देख सकते हो, जो कि आपको मीरामार के मैप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज से, इसके ऊपर गाइस आप देख सकते हो वेपन लगे हुए, जो कि आपने पहले देखे वो सारे गन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मशीन गन लगे हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ से फायरिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइटनिंग का लोगो भी बना हुआ और लाइटनिंग लिखा हुआ है। अभी हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में से गाइस आपको एक डिस्क मिलती है, उस डिस्क का क्या यूज है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इस कंप्यूटर के पास आता हूँ, 1947 का कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको गो करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद गाइस आपको एक इंटेल डिस्क मिलती है, आप बैकपैक में देख सकते हो मेरे। और गाइस, जब मैंने इस डिस्क पे क्लिक किया इसे यूज करने के लिए, तो वहाँ ऑप्शन आया इवेंट आइटम, यानी कि जल्द ही कोई इवेंट आने वाला, वहाँ पे ये डिस्क यूज होगी। और यहाँ पे गाइस, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं, ये इशारा है कि पेलोड 2.0 जल्द ही आपको ग्लोबल वर्जन में देखने को मिल जाएगा। और भी गाइस, रैंगल 2.0 में रहस्य हैं जिनमें सभी पर्दा उठाना बाकी है। यदि आप सपोर्ट करोगे तो हम ऐसी वीडियो बनाएंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और यहाँ पे गाइस मैं घूम के आपको लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप समझ सको कि कहाँ पे है, और यहाँ पे आज आप आके इजीली इस सीक्रेट रूम को फाइंड कर सको। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।